हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अवध गुले पे। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल द्वारा आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फिर भी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि टैली प्राइम को किस प्रकार से और कहाँ से डाउनलोड करें और इसमें हम कंपनी किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो दोस्तों, हमारी गारंटी है कि आपको कंपनी क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे टैली प्राइम को पढ़ना चाहते हैं या फिर ERP 9 पढ़ने के बाद जो टैली प्राइम को पढ़ना चाहते हैं, उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम टैली प्राइम को कहां से डाउनलोड करें, वो भी किस प्रकार से डाउनलोड करें। तो दोस्तों, टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद दोस्तों, आपको यहां पे लिख लेना होगा टैली प्राइम डाउनलोड। टैली प्राइम डाउनलोड लिखने के बाद दोस्तों, आपको यहां पे तीसरे नंबर पे टैली डाउनलोड टैली प्राइम या फिर tally.com.sg देखने को मिल जाएगा। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आना होगा। डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको येलो कलर में लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली 2.1 डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो टैली प्राइम है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं टैली प्रोग्राम के ऊपर। टैली प्रोग्राम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये आपके सिस्टम में कुछ इस प्रकार सा थोड़ा सा लोडिंग लेगा। आपको यहाँ पे घबराना नहीं है और कुछ करना नहीं है। तो दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिलेक्ट कंपनी, अगर आपका कोई भी कंपनी नहीं है तो आप यहाँ को कंपनी क्रिएट करना होगा। यहाँ पे देखिए, हमारा जो पहला जो ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का है, दूसरा जो है सिलेक्ट रिमोट कंपनी, उसके बाद तीसरा स्पेसिफाई पाथ, चौथा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका जो पाथ है जिसमें आपका टैली प्राइम इंस्टॉल हुआ है वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हमको अपना कंपनी क्रिएट करना है तो इसके लिए हमको क्रिएट कंपनी पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, हमको अपने जो कंपनी का डाटा पाथ वो आपको सामने देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपका कंपनी डाटा पाथ का होगा। उसके बाद कंपनी नेम, कंपनी नेम जो आप अपने कंपनी का नेम देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे मैं दे रहा हूँ ABC कंपनी, ABC कंपनी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इंटर, वही सेम आपका कंपनी नेम जो रहेगा वही आपके मेलिंग नेम में भी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो आपका एड्रेस रहेगा, कंपनी का जो एड्रेस रहेगा उसको आपको फिल कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे XYZ भर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद जो आपका सेकेंड एड्रेस रहेगा उसको भर लेना। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं भर दे रहा हूँ, आपको जो भरना होगा भर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों, आपको आपका जो स्टेट रहेगा उसको यहाँ पे फिल करना होगा। स्टेट जैसे मैं यहाँ पे UP सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इंटर। उसके बाद दोस्तों, जो आपका पिन कोड रहेगा वो आपको अपना पिन कोड को यहाँ पे फिल करना होगा। मैं यहाँ पे अपने पिन कोड को फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पे उसको भर सकते हैं, नहीं तो आप इंटर करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैं यहाँ पे ऐसे रेंडमली कोई मोबाइल नंबर फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके अगर कोई फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर भर सकते हैं, नहीं तो आप इंटर करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे आपका ईमेल मांग रहा है तो मैं यहाँ पे ईमेल कुछ यहाँ पे इसको दे देता हूँ। मैं यहाँ पे ईमेल भर के इंटर कर दे रहा हूँ। उसके बाद वेबसाइट, जो आपका वेबसाइट होगा उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे रुपए और INR का सिंबल नीचे देखने को मिल जाएगा। इससे पहले आपको यहाँ पे फाइनेंशियली ईयरली बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 हो रहा है। ये दोस्तों हमारा
एजुकेशन मोड है इसलिए यहाँ पे कोई बदलाव नहीं कर सकते। उसके बाद बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है आप यहाँ पे किस दिन से आप अपना डाटा एंट्री करना चालू किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम दोनों में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इंटर कर दे रहे हैं सिंपली। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए कर देंगे, ये हमारा डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का जो बॉक्स है वो ओपन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों जो जो ऑप्शन यहाँ पे इनेबल चाहिए उसको आपको यहाँ पे पढ़ के इनेबल कर लेना, वरना आपको यहाँ पे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट हो जाना। दोस्तों हमारा जो कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों वेल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इसके नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।